खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गैंगरेप के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि यह मामला महाराजगंज के कोठी भार थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 फरवरी की रात को सिसवा रेलवे स्टेशन पर मामा के घर पिपराइच जा रही युवती के साथ हुआ गैंगरेप था। आइए दिखाते हैं महाराजगंज से यह रिपोर्ट। महाराजगंज कोटीबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 फरवरी की रात को सिसवा रेलवे स्टेशन पर मामा के घर पर पिपराइच जा रही युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में कोटीबार पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सोमवार को पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी थी, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर कोटीबार पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गैंगरेप मामले में कोटीबार पुलिस ने मंगलवार को भुवर उर्फ अनिल और लाला उर्फ राहुल श्रीवास्तव को जेल भेज दिया है। एक आरोपी की पुलिस को अभी भी तलाश जारी है। इसमें ये जानकारी हुई है कि कोठीबार थाना क्षेत्र में एक लड़की को उसके जान पहचान वाले एक लड़के ने, जो रेलवे सिसवा पर वेंडर है, उसने बुलाया था। इस पर लड़की वहाँ पर गई तो लड़की के साथ में वो वेंडर और उसके दो अन्य साथियों ने बलात्कार किया है, जैसा कि तहरीर में लड़की के पिता ने लिख करके दिया है। इस संबंध में थाना कोठीबार ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है और दो व्यक्तियों को, जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी सी को उसको भी गिरफ्तार कर लिया है।